तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने आईफोन में फ्री फायर या फिर जो फ्री फायर मैक्स है वो डाउनलोड करके खेल सकते हो, फिर चाहे आपके पास में आईफोन का कोई सा भी मॉडल क्यों ना हो। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आईफोन के हर एक मॉडल में फ्री फायर डाउनलोड करके अच्छे से खेल पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको फ्री फायर डाउनलोड करना है। एंड अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी फ्री फायर डाउनलोड नहीं कर पाते एंड किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है तो मेरे को कमेंट में एक्सप्लेन करके जरूर से बताइएगा। मैं 100% ट्राई करूंगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सलूशन दूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्री फायर को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपना ऐप स्टोर ओपन करना है एंड यहाँ पर अपने को फ्री फायर लिख करके सर्च करना है। एंड जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं हमको यहाँ पर फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स दोनों में से कोई सा भी देखने को नहीं मिलता है। तो अभी यहाँ पर अपन एक छोटा सा सेटिंग करेंगे एंड यहाँ पर अपने को फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स है वो दोनों देखने को मिलेंगे एंड उनको अपन डाउनलोड करके खेल भी पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ से अपने को बैक करना है एंड मेन स्क्रीन पर जो अपने को आईडी का आइकन देखने को मिल रहा है सिंपली इस पर क्लिक करना है, जिसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी एपल आईडी देखने को मिलेगी। तो सिंपली इस पर आपको यहाँ पर प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड है वो एंटर करना है। एंड अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप अपनी सेटिंग्स में जाके आसानी से पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ एंड स्क्रीन पर आपको पासवर्ड है वो नहीं शो होगा। एंड जैसे यहाँ पर पासवर्ड डाल करके साइन इन पर क्लिक करोगे थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेगा एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। तो इस पेज में आपको एक कंट्री ओरिजिन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मैंने हाईलाइट कर दिया। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर फिर से थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड चेंज कंट्री ओरिजिन का एक ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक और नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको बहुत सारी कंट्री के नेम है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड जो एस वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको सिंगापुर है वो देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर से सिंगापुर है उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको ऊपर कॉर्नर में एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है एंड आप पहुँच जाओगे एक और पेज में। एंड ये सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एंड ये जो भी नई इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ फिल करने के लिए उसको आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको एक नन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट आपको कर लेना है। देन यहाँ पर आपको एक नीचे स्टेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली सिंगापुर है वो टाइप कर देना है कुछ इस प्रकार से। देन नीचे पोस्ट कोड का ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 54860 लिख करके टाइप करना है, बिल्कुल सेम टू सेम यहीं यहाँ पर आपको टाइप करना है। अगर आप कुछ अदर टाइप करोगे तो यहाँ पर आपका काम नहीं करेगा, तो सेम टू सेम ये कहीं पर नोट कर लीजिएगा, यहीं आपको डालना है। देन नीचे आपको फ़ोन नंबर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप कोई भी फ़ोन नंबर है वो टाइप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फ़ोन नंबर है वो टाइप करें। तो सिंपली यहाँ पर इसको आपको टाइप कर देना है। देन यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा स्ट्रीट का, तो यहाँ पर ये ऑब्वियस है तो ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर आप सिंगापुर डाल दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको सिंगापुर है वो फिल कर देना है एंड ये पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको ऊपर एक नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, तो सिंपली इस नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे ना तो ये थोड़ी देर के लिए प्रेस रहेगा एंड देन फिर से ग्रीन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्रेस नहीं होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने को होम स्क्रीन पर जाना है, देन अपना जो फ़ोन का मैसेजर होता है उसको यहाँ पर ओपन करना है एंड देन इसको फिर से रिडायरेक्ट कर देना है अपने ऐप स्टोर में। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो किस प्रकार से आपको करना है, मेरे जो होम स्क्रीन के बटन है वो वर्क नहीं करते हैं तो यहाँ पर मैं एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको फिर से अपना जो ऐप स्टोर है वो ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट की जगह डन का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पर जो डन का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है एंड नो अब जो आपको फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स है वो आपको अपने ऐप स्टोर में देखने को मिलेंगे। तो सिंपली यहाँ पर अपने को फ्री फायर है वो लिख करके सर्च करना है एंड देखते हैं कि अपने को क्या रिजल्ट है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कि फ्री फायर है उसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है एंड अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर फ्री फायर मैक्स है वो भी अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अपना फ्री फायर एंड अभी मैं यहाँ पर आपको फ्री फायर मैक्स है वो भी यहाँ पर दिखाता हूँ जो कि मैंने डाउनलोड भी कर रखा है एंड यहाँ पर से मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो वीडियो है वो कम्प्लीट हो चुका है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैं इसको ओपन भी करूँगा तो आप चाहो तो देख सकते हो। एंड अगर आपके भी आईफोन में फ्री फायर डाउनलोड हो जाए तो कमेंट में ज़रूर से लिखना ताकि नए आने वाले प्लेयर को भी पता चल सके कि किस प्रकार से अपन यहाँ पर फ्री फायर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से करिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।